प्यारे बच्चों, आज आप जमात दसवीं का छेवां पाठ खेती जंगलात एग्रोफोरेस्ट्री बारे पढ़न जा रहे हैं। बच्चों, जे इस चैनल अज तक तुम सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब करो ता जो तुहानू इस हर पाठ की वीडियो समय सिर पहुँचेगी। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबो और इस लाइक तो शेयर अगे जरूर करो ताकि वो तो बच्चों इस पाठ दियाँ जी खेतीबाड़ी जमात रिलेटिड होर बाकी वीडियोज भी समय सिर पहुँच सकन। सो बच्चों, अज इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप कर जा रहे हैं। पहले जो प्रश्न ने उन्होंने उत्तर जो आप एक या दो शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न, पंजाब विच राष्ट्रीय वन नीति 1988 मुताबिक किन्ने प्रतिशत रकबा जंगलों हेठ होना चाहिए है। पंजाब विच राष्ट्रीय वन नीति 1988 मुताबिक 88% रकबा जंगलों हेठ होना चाहिए है। पंजाब विच वन अते रुखां हेठ किन्ने प्रतिशत रकबा है। बच्चों, पंजाब विच वन अते रुखां हेठ 6.49% रकबा है। पंजाब नूं जलवायु के आधार पर किन्ने जोनां विच वंडिया जा सकता है। पंजाब नूं जलवायु के आधार पर तीन जोनां विच वंडिया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न, कंडी खेत्र विच किहड़े मौसम विच चारे की घाट पाई जाती है। कंडी खेत्र विच सर्दियों विच चारे की घाट पाई जाती है। अगला प्रश्न, पॉपुलर के दरख्त बन्निया उत्ते किन्ने फासले ते लाए जाते हैं। जे पॉपुलर के दरख्त आप बन्निया ते लाउणे ते उन्हां दा घट्टो घट्ट फासला 3 मीटर होना चाहिए है। 3 मीटर फासला पॉपुलर दरख्तों होना चाहिए जे वह बन्निया दे। फिर कंडी खेत्र विच जमीना किहो जिहा होंदिया हन। कंडी खेत्र विच जमीना उच्चिया नीवियां होंदिया हन। फिर कंडी विच चारे लई वरते जांदे दो रुखां दे नाम लिखो। कंडी विच चारे लई वरते जाण वाले रुख चक, छल, बेरी, बाबुल, कचनार आदि है। फिर पॉपुलर की खेती लई जमीन की पी एच किन्नी होनी चाहिए है। बच्चों, पॉपुलर की खेती लई जमीन की पी एच 6.5 से 8 तक होनी चाहिए है। पंजाब के दक्षिणी पछमी जोन में धरती हेठला पानी किस तरह का है। पंजाब विच दक्षिणी पछमी जोन विच धरती हेठला पानी खारा है। सारे खेत विच पॉपुलर के किन्ने दरख्त प्रति एकड़ लगाए लगते हैं। बच्चों, सारे खेत विच जे पॉपुलर लाने हैं तो 200 दरख्त प्रति एकड़ लगते हैं। 200 दरख्त पॉपुलर का एक एकड़ च लग सकते हैं। सो बच्चों, हुण अगले प्रश्न जिहड़े आपां उन्हां दे उत्तर एक या दो वाकां विच देने हैं। पहला प्रश्न, पंजाब विच पॉपुलर किहड़े महीने च लाया जांदा है। पंजाब विच पॉपुलर लगाउण दा सही समां जनवरी फरवरी का महीना है। फिर वन खेती की व्याख्या करो। वन खेती विच इको खेत विच रुख अते फसलां इकट्ठे उगाए जांदे हन, उन्हूं वन खेती कहा जांदा है। फिर केंद्रीय मैदानी इलाके विच भूमि अते सिंचाई सहूलतां किस तरह दियां हन अते किसानां द्वारा किहड़ा फसली चक्कर अपनाया जांदा है। केंद्रीय मैदानी इलाके विच भूमि उपजाऊ है अते सिंचाई सहूलतां उपलब्ध हन, कणक झोना फसली चक्कर अपनाया जाता है। पॉपुलर, सफेदा, डैक आदि दरख्तों को फसलों नाल रलमी कास्त वजो लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी पछमी जोन विच केड़े केड़े रुख पाए जाते हैं। पंजाब के दक्षिणी पछमी जोन विच किकर, टाली, अंब, त्रेक, निम, जामन, तूत आदि रुख पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, सफेदे के बूटे लाने की विधि और बूटे तो बूटे विचकार फासला लिखो। बच्चों, कलमों तो तैयार किए बूटे लगाने चाहिए हैं। सफेदा खेत के बन्निया ते जां सारे खेत च लगाया जा सकता है। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। जिहड़ी आप फसलां लाईआं उन्हां दे बन्ने बन्ने ते लाए सकते हैं जां सारे खेतों के भी ला सकते हैं। बन्ने ते दरख्तों का आपसी फासला 2 मीटर है। ध्यान रखो बच्चो, बन्ने ते दरख्तों का जिहड़ा आपसी फासला 2 मीटर होना चाहिए है। तो सारे खेत जे बूटे लगाने जो सफेदे सारे खेत ही लाने फिर आपां 4 × 2 मीटर के फासले दरख्त लगाने चाहिए। दो लाइन जी होनी उन्हें 2-2 मीटर का फासला तो बूटे तो बूटे का 4 मीटर फासला होना चाहिए है।
फिर पॉपुलर दी उन्नत किस्मों के नाम लिखो। पॉपुलर दी उन्नत किस्म कि बचो PL1, 2, 3, 4, 5, L47/88 ते L48/99। पॉपुलर दी कुछ उन्नत किस्म हैं। फिर अगला प्रश्न, सफेदे के बूटे खेतों केड़े केड़े महीनों लाए जा सकते हैं। बच्चों सफेदे के बूटे मार्च अप्रैल या जुलाई अगस्त में लगाए जा सकते हैं। कदों लगाए जाते हैं सफेदे के बूटे? मार्च अप्रैल या जुलाई अगस्त में लगाए जा सकते हैं। फिर पॉपुलर की लकड़ की वरतों केड़े केड़े उद्योगों में होंगी है? पॉपुलर की लकड़ की वरतों माचिस दी तीलां, पलाई, पैकिंग वाले डब्बे बनाने विच होंदी है। पॉपुलर के बूटे लगाने लई फासला लिखो। पॉपुलर नूं जे बन्नियां ते लाया जावे तां फासला दरख्त तो दरख्त 3 मीटर अते जे सारे खेत विच लाया जावे तां 8 × 2.25 मीटर जां 5/4 मीटर रखना चाहीदा है। दो तरीके नाल आपां सारे खेत लगा सकते हैं, 8 × 2.25 मीटर जां 5 × 4 मीटर का फासला होना चाहिए है। फिर कंडी इलाके विच किहड़े किहड़े रुख उगाए जाते हैं? बच्चों कंडी इलाके विच तूत, निम, टाली, किकर, बेल, कचनार, अंब, बाबुल, अर्जन, हरड़, बेहड़ा, फलाई अते टक, डैक, सुहांजना आदि रुख लाए जाते हैं। बच्चों हुण जिहड़े अगले प्रश्न ने इन्हां दे उत्तर आपां 5 या 6 वाक्यां विच देने हैं। पहला प्रश्न, वन खेती एग्रोफोरेस्ट्री की परिभाषा दिओ। राष्ट्रीय वन नीति 1988 अनुसार लकड़ दी जरूरतां दी पूर्ति अते वातावरण नूं अनुकूल रखण लई लगभग 20% रकबा जंगलां हेठ आउणा चाहीदा है। 1988 दी वन नीति बनी सी उहदे मुताबिक घट्टो घट 20% रकबा जंगलां हेठ आउणा चाहीदा है, पर जंगलां हेठ होर रकबा लियाउण दी संभावना बहुत घट है क्योंकि पहले ही जिहड़े रुख बहुत कट्टे जा रहे हैं डिवेलपमेंट के कारण, उहदे नाम ते सड़कां बन रही ने ते रुख पहले ही कटते जा रहे हैं, इसलिए जंगल हेठ रकबा वधाउणा तो बहुत मुश्किल हो रहा है। पर खेती द्वारा यह काम किया जा सकता है, जे आप खेती विच दरख्त लगाने शुरू कर दिए तो जंगल का रकबा जो आप पूरा कर सकते हैं। वन खेती तो भाव है इको खेत विच रुख अते फसलां इकट्ठे उगाए जाण, भाव इको खेत विच दरख्त भी लगा ले जाण और जिहड़े फासला उन्होंने आप फसल भी कोई उगा सकते हैं। इस खेती का मंतव यह है कि किसान अपनियां लोड़ां भी पूरियां कर लैन, जिवें अनाज, लकड़, बालन, चारा अते कुदरती सोमे की संभाल भी हो जाए। अनाज के नाल नाल वो अपने कुदरती सोमे उन्हें संभाल, जिवें जमीन, पानी, हवा आदि। जंगल का इलाका वधेगा, हवा साफ सुथरी होएगी, पानी का पद्धर नीवा नहीं जाएगा तो जमीन भी उपजाऊ रहेगी। इस ढंग नाल किसान की आमदन विच भी वाधा हो जाता है। अगला प्रश्न, पॉपुलर की कास्त लई पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी वालों केड़िया केड़िया किस्मों की सिफारिश की जाती है अते किन्ने किन्ने फासले के रुख लाने चाहिए हैं? बच्चों पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी वालों पॉपुलर दियां PL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L47/88, 148/89 किस्मों की सिफारिश की जाती है। पॉपुलर नूं जे बन्नियां ते लाया जाए तो फासला दरख्त तो दरख्त 3 मीटर तो जे सारे खेत लाया जाए 8 × 2.5 मीटर या 5 × 4 मीटर रखना चाहिए है। सारे खेत में लगभग 200 दरख्त प्रति एकड़ लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, कलमा तो तैयार किए सफेदे के पौधे कितने मिल सकते हैं? बच्चों वन खेती सफेदे के कलमा तो तैयार किए बूटे लगाने चाहिए हैं, ये सारे एक साल वधदे हैं। सफेदे के बूटे किसी भी जंगलात विभाग की नर्सरी या प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरी तो प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर पॉपुलर के बूटे लाने लई विधि का वर्णन करो। पॉपुलर किस तरह लगाए जा सकते हैं? पॉपुलर के पौधे लाने लई 3 फुट डूंघा
ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਟੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੋਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ ਅਤੇ ਐਮੀਸਾਨ 6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਏ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲਾ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ 8x2.5 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 5x4 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਹਰ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਕਾਸਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 'ਚ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ 6ਵਾਂ ਪਾਠ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।